नमस्कार दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह है और आप लोग देख रहे हैं गुड्डू ऑफिशियल बिहार वाला। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया के एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है अलुकोर कंपनी। अलुकोर कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो भाई सऊदी रहते हैं या दुबई रहते हैं इस कंपनी के बारे में भली भांति जानते होंगे। तो आज हम इस कंपनी के विषय में चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि यह कंपनी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, इसमें जाने के लायक है कि नहीं कंपनी, इसका वैकेंसी कहाँ कहाँ पे आता है, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दोस्तों ऑल कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले देख पाए। दोस्तों चलिए बिना देर के शुरू करता हूं वीडियो और आप सभी को लेके चलता हूं कंपनी के वैकेंसी की ओर और आप सभी को बताता हूं कंपनी के बारे में। तो दोस्तों कंपनी के बारे में बात किया जाए तो कंपनी ये सन 1991 में स्टार्ट हुआ था। सन 1991 आप लोग समझ सकते हैं कि कंपनी पुराना हो गया है, कंपनी नया नहीं है। कंपनी लगभग में समझ जाइए कि बहुत ही पुराना हो गया है, हम लोग एज हमारे एज से ज्यादा पुराना हो गया है। तो कंपनी एक बहुत बड़ा कंपनी भी है, इसका काम दुबई में चलता है, ओमान में चलता है, सऊदी अरबिया में चलता है, बहुत सारे जगहों पे, इंडिया में भी इसका ऑफिस है, ब्रांच है बहुत सारे जगहों पे इसका, जर्मनी में भी इसका ब्रांच है, बहुत सारे जगहों पे इसका ब्रांच है। दोस्तों यह कंपनी छोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है और बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करता है। दोस्तों इसका कुछ वैकेंसी आया हुआ है इस कंपनी का, तो सबसे पहले आप सभी को वैकेंसी बता देता हूँ, उसके बाद से कंपनी के बारे में रिपीट करता हूँ कि वो क्या क्या काम कराता है और उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होता है, क्या क्या सुविधाएं होती है, सब बताऊंगा आप सभी को। दोस्तों चलिए वैकेंसी बता देता हूँ क्या क्या वैकेंसी आया हुआ है। दोस्तों इसमें है 6G बेल्डर, 6G बेल्डर है इसमें। उसके बाद से स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर, उसके बाद स्ट्रक्चर फिटर है, उसके बाद पाइप फैब्रिकेटर है, उसके बाद पाइप फिटर है, रिगर है, स्काफोल्डर है, ग्राइंडर है, गैस कटर है, इंस्ट्रूमेंट ट्यूब फिटर है, मिलराइट फिटर है, पाइपिंग फोरमैन है, उसके बाद मिलराइट फोरमैन है। तो ये सब वैकेंसी आया हुआ है। इन सब में सैलरी सऊदी अरबिया में बहुत ही जबरदस्त दिया है। तो जो भाई बिल्डर है उनका सैलरी 2400 सऊदी रियाल लगेगा, 2400 सऊदी रियाल। अगर वो इंटरव्यू में अच्छे ग्रेड से पास हो जाते हैं तो 2400 सऊदी रियाल मिलेगा। और समझ जाइए 8 घंटे का सैलरी है, 8 घंटे का सैलरी है, प्लस एकोमोडेशन, फ्री एकोमोडेशन है, प्लस ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद 8 आवर्स के ड्यूटी है, प्लस ओवर टाइम भी है। तो इसमें समझ जाइए कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, इतना सैलरी मिलने वाला है। और इसमें ECR दोनों पासपोर्ट चलेगा, ECR और ECNR दोनों पासपोर्ट इसमें चलेगा। तो समझ सकते हैं कंपनी ने दोनों आदमी को एक्सेप्ट करने का फैसला लिया है, यानी कि जो पढ़े लिखे भी हैं या अनपढ़ हैं सबको उठा के लेके कंपनी जाएगा, उनके काबिलियत के ऊपर ये सैलरी लगाएगा कि वो काम कितना जाते हैं जानते हैं, पढ़े लिखे के ऊपर नहीं लगाएगा, काम कितना जानते हैं उसके ऊपर सैलरी इस कंपनी में लगता है। दोस्तों इसमें ये वैकेंसी आया हुआ है। तो दोस्तों इसमें जो क्या क्या कंपनी ये काम कराता है चलिए इसके विषय में मैं आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका ब्रांच बता देता हूँ कि इसका ब्रांच कहाँ कहाँ पे है और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ, जो भाई दुबई में रहते हैं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर उन लोगों का कंपनी अगर खराब मिला होगा तो वहां पे ऑफिस में कॉन्टेक्ट करके अपना वहां से ही काम करा सकते हैं दुबई में या सऊदी अरबिया के लिए। इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के अंदर यही बात रहता है कि सैलरी टाइम पे मिल जाता है और सैलरी ज्यादा रहता है। तो दोस्तों इसका जो ऑफिस है UAE के अंदर है, UAE के अंदर है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे UAE के अंदर है। और इसका जो अलगुर का हेडक्वार्टर है N300 एस्टेट जबलाली में है, जबलाली UAE में है। तो आप लोग वहां पे उसका टेलीफोन नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप लोग ऑफिस में संपर्क करके वहां से ही अपना वीजा कि वहां इस कंपनी में लगा सकते हैं। आप लोग अगर चाहेंगे तो वहां से ही बात करके वीजा लगा सकते हैं अपना, और आपको खुद जानना होगा। तो दूसरे किसी की बात करने जाएंगे तो कंपनी आपका कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको अंदर झुकने भी नहीं देगा ऑफिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद से इसका जो है अलकुर का वहीं पे जबलाली में है, उसके बाद सरजा में है, उसके बाद आपका ये बिजनेस पार्क है वहां पे है, उसके बाद से ओमान में है, ओमान में भी इसका ऑफिस है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ओमान में है, सऊदी अरबिया में तो है ही है, सऊदी अरबिया में है, उसके बाद जर्मनी, मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था जर्मनी में भी है इसका
इंडिया में भी इसका ऑफिस है, आप लोग समझ जाइए कि इंडिया में भी इसका ऑफिस है। तो इसका बहुत सारा काम है इसके पास, समझिए काम की कमी नहीं है, बहुत सारा काम है इसके पास। और इसका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसका क्या क्या प्रोजेक्ट है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं क्या क्या यह काम कराता है। तो दोस्तों इसका काम जो है, आप लोग स्क्रीन पर भली भांति आप लोग देख लीजिए क्या क्या काम कराता है। आप लोग देख रहे हैं ऑयल टैंक है, ऑयल एंड गैस प्लांट है, लॉजिस्टिक है, बहुत सारा ये काम कराता है दोस्तों, बहुत सारा ये काम कराता है। तो आप वो सामने ही देख सकते हैं, इसका इसके काम की कमी नहीं है दोस्त। इसमें अगर आप लोग एक बार चले जाते हैं तो इस कंपनी में अगर आप लोग का काम हो जाता है तो आप लोगों का लाइफ बन जाएगा। और इसका जो मेन काम है, इसका आवर सर्विस पढ़ लीजिएगा, आवर सर्विस है इसका, इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट है, उसके बाद से आपका कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद फैब्रिकेशन है, उसके बाद मेंटेनेंस है, उसके बाद है कमीशनिंग। तो इसका बहुत सारा काम है इसके पास, ऑयल एंड जो गैस प्लांट होता है उसमें भी काम चलता है, बहुत सारा इसका काम रहता है दोस्तों। यह कंपनी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर इस कंपनी का इंटरव्यू आप लोगों का मोरा टेकरा सूरत में आया हुआ है तो इसमें जाके आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, वहाँ पे अपना काम करा सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए जो जो वैकेंसी है, तो वहाँ पे आप लोग इंटरव्यू दीजिए, अपना काम करा लीजिए। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा।